गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं अंजलि मुद्गल आपके साथ। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा जाएगा आज। इस मामले में ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार आरोपी है। सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ झगड़ा हुआ था सुशील कुमार का, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था सुशील कुमार, लेकिन कल आखिरकार गिरफ्तारी और अब सलाखों के पीछे सुशील कुमार। आज माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये पूरा केस क्राइम ब्रांच को सौंपेगी। कई दिन से हत्या के मामले में फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोपी पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंजाब के बठिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में भी कई ठिकानों में छापेमारी के बाद वो पुलिस के शिकंजे में आया। बता दें कि पुलिस ने उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। शिकंजे में आया सुशील पहलवान। सुशील पर पहलवान सागर की हत्या का आरोप। पहलवान सुशील पर था 1,00,000 का इनाम। कई दिनों से दिल्ली पुलिस को थी तलाश। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील था फरार। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने लंबी आंख में चूली के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। सुशील के साथ उसका साथी अजय भी पुलिस के शिकंजे में आ गया। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील काफी दिनों से हत्या के मामले में फरार था। पहलवान सुशील के खिलाफ लुकआउट नोटिस और गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। सुशील ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दिल्ली के मॉडल टाउन एसपी के नेतृत्व में दो इंस्पेक्टर और एक दर्जन पुलिस कर्मी उनकी तलाश में पंजाब गए थे। सुशील और उसके साथी को मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए ढूंढा गया। उनके खिलाफ पुलिस ने 1,00,000 का इनाम भी घोषित किया था। उसके साथी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम था। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि वहां से सुशील और उसका साथी जो अजय है एक स्कूटी से गुजरने वाले हैं और उसी दौरान एक ट्रैप लगाया और फिर उसके बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि सुशील पहलवान पर 1,00,000 रुपए का इनाम था और उसी के साथ में जो उसका साथी है अजय उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जो स्पेशल सेल के सीनियर ऑफिसर हैं वो इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी की 4 मई की रात को सागर धनखड़ समेत 3 लोगों का सुशील ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर लिया था। सुशील और उसके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम में इनके साथ मारपीट की थी, जिसमें सागर की मौत हो गई। लड़ाई की वजह एक फ्लैट का किराया बना था। इस घटना के बाद से ही पहलवान सुशील फरार चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना वैक्सीन के लिए पंजाब सरकार का ग्लोबल टेंडर रिजेक्ट हो गया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का पंजाब के साथ डील करने से इनकार। कहा सिर्फ भारत सरकार के साथ ही करेंगे समझौता। पंजाब सरकार की तरफ से अप्लाई किया गया था टेंडर के लिए, लेकिन उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया है। रूपनगर के गुरुद्वारा भट्टा साहिब में भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर की तरफ से किया गया। हले भी बड़ी अपन लड़ाई लड़नी पैनी है, पर जे लड़नी है घरों निकलो,
अपने मंत्रियों अपने घरों कढ़ो जिलों जा डिस्ट्रिक्ट के हस्पतालों देख क्यों लोग डिस्ट्रिक्ट के हस्पताल जान तो करते हैं जो मंत्री जानगे पता लगेगा तो जो पता लगेगा वह इलाज भी कर सकते हैं जो घरों निकलना नहीं तो फिर इलाज की होगा। श्रद्धा सरकार भेंट नहीं करती है 5 रुपए 10 रुपए के दसवंधों कट के जो उसे भेटा देंगे वोद राही चलती है तो हमेशा ही कोशिश की है कि जो संगत का तिल फुल है उन्होंने असं सही ढंग वरत के संगत की सेवा कर सकी क्योंकि सरबत का भला इस संस्था ने हमेशा मंगी है मानवता की सेवा करनी इस संस्था का हमेशा कर सारे ड्यूटी है कि लंगर च कोई कमी ना आए सेवा च कोई कमी ना आए। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर बेअदबी मामले का बदला लेने के लिए डेरा प्रेमी की हत्या को अंजाम देने का आरोप है। साथ ही फिल्लौर में एक पुजारी पर फायरिंग करने का भी आरोप है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है जबकि 3 साजिशकर्ता कैनेडा में बैठे हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। बता दें कि बीते साल 20 नवम्बर को बठिंडा के भक्ता बाइका में सोनू और कमल ने डेरा प्रेमी मनोहर लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा दोनों ने जलंधर ग्रामीण के फिल्लौर के भारसिंहपुरा गांव में कमलदीप शर्मा नाम के पुजारी पर भी फायरिंग की थी। हरियाणा में कोरोना संकट में बीपीएल परिवारों की मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुदान राशि के तहत अब तक 2 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है और बाकी पहचान किए गए मृतकों के परिवारों को जल्द ही ये राशि दी जाएगी। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा। 2 मई से 9 मई तक लॉकडाउन वाले आदेश लागू रहेंगे। बड़े बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें खुलेंगी। ऑड इवन फॉर्मूले में नंबर आने पर शराब के ठेके भी खुलेंगे। ऑड इवन फॉर्मूले में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। एक्सटेंड कर दिया गया है हरियाणा में भी लॉकडाउन को। हरियाणा में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने आदेश जारी किए। सिरसा में ब्लैक फंगस के 38 मामले सामने आए हैं जबकि ब्लैक फंगस की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग और मरीजों के परिजन दोनों परेशान हो रहे हैं। सिरसा सिविल अस्पताल को 18 इंजेक्शन मिले हैं लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के हिसाब से बेहद कम है। इसके चलते लोग बाहर से इंजेक्शन मंगवाने को मजबूर हैं। ब्लैक फंगस मरीजों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है लेकिन सिरसा में ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों से अपना इलाज करवा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में 45 किलोग्राम ऑक्सीजन वाले 225 सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं जिसके वितरण का जिम्मा सामाजिक संस्था धर्मसेना को सौंपा गया जो गरीब और जरूरतमंद तक मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। सांसद धर्मवीर सिंह ने सूरत में रहने वाले उद्योगपति मित्र प्रमोद चौधरी के सहयोग से सिलेंडर अपने संसदीय क्षेत्र की 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध कराए। ग्रामीण इलाकों में पीएचसी सीएचसी और प्रशासन की तरफ से जहां भी क्लस्टर बनाए हुए हैं वहां पर ये ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दी जाएगी। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर 30 मई को एक और बैठक होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली समेत कई राज्य परीक्षा के खिलाफ थे जबकि कुछ राज्य शर्तों के साथ सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को तैयार थे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह की परीक्षा के पक्ष में नहीं है। पहले बच्चों को वैक्सीन की डोज लग जाए उसके बाद परीक्षा कराना सुरक्षित रहेगा। सीबीएसई का प्रस्ताव भी राज्यों को दिया गया जिसके मुताबिक 20 विषयों की परीक्षा कराने और परीक्षा के समय को कम करने का प्रस्ताव है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि सभी राज्यों से 25 मई तक सुझाव भेजने को कहा गया है। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग को बहुत ही सकारात्मक बताया क्योंकि मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है हम सामूहिक निर्णय के जरिए जल्द ही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अपना अंतिम फैसला करेंगे और छात्रों और अभिभावकों के मन में अनिश्चितता को दूर कर पाएंगे। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम से मुख्यमंत्रियों शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया।
और ये दो अलग अलग तस्वीरें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से बैठक के बाद जो ट्वीट किया गया, उन्होंने इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पूरा यकीन है कि सभी राज्यों के सहयोग से एक निर्णय हम ले पाएंगे। सभी राज्यों से 25 मई तक सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद आगे फैसला होगा। तो सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर 30 मई को होगी एक और बैठक। दिल्ली समेत कई राज्य परीक्षा के खिलाफ नजर आए कल हुई बैठक में। कुछ राज्य शर्तों के साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कराने को तैयार हुए। किसी भी तरह की परीक्षा के पक्ष में दिल्ली सरकार नहीं है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज बैठक हुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य, इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 15 से 20 जून के बीच शुरू हो सकती हैं, इसे लेकर विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। ये जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से साझा की गई। केंद्र के साथ 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हुई वर्चुअल बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि परीक्षा होने न होने के मुद्दे को लेकर विद्यार्थी तनाव में है। ऐसे में उनकी तरफ से परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है और परीक्षा की अवधि को लेकर मंथन हो रहा है। परीक्षा 90 मिनट की हो या 3 घंटे की। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है उसी स्कूल में पेपर देने की व्यवस्था करने की तैयारी है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव छात्रों की परीक्षा बाद में ली जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने पूरे देश के सभी जो शिक्षा मंत्री हैं और सभी ACS और जो बोर्डों के चेयरमैन हैं उन सबके साथ आज वर्चुअल मीटिंग की। इसके जो शिक्षा मंत्री थे उनकी राय ली है कि किस प्रकार से 12वीं के पेपर कब तक किए जा सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, तो उसमें सभी ने अपनी राय, स्टूडेंट हैं उसमें काफ़ी स्वाच्य तनाव में है कि पेपर कब होंगे, कैसे होंगे, इस प्रकार की स्थिति है। तो मेरा मानना ही है कि पेपर होने चाहिए और जिस प्रकार की स्थिति जिस जिस प्रदेश की है उसी प्रकार से उसी के हिसाब से उसमें पेपर होने चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा दूसरे विकल्प के साथ कराने की सोची है। दूसरे विकल्प के तहत 1.5 घंटे की ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सभी राज्यों की बैठक में सीबीएसई की तरफ से 2 ऑप्शन सुझाए गए, जिसमें पहला विकल्प है मेन सब्जेक्ट की लिखित परीक्षा कराई जाए जिसमें 3 महीने लगेंगे, वहीं दूसरा विकल्प है कि 1.5 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा कराई जाए। तो हम दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे। परीक्षा उसी स्कूल में होगी जिसमें छात्र पढ़ रहे हैं, और अगर किसी वजह से छात्र परीक्षा नहीं दे पाते तो बाद में भी दे सकते। शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने आज हरियाणा की जो बारी आई तो उस समय बताते उन्होंने कहा कि हम दूसरी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र लिया जाएगा और विद्यार्थियों को उन्हीं के अपने स्कूल के परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएं। कुछ विद्यार्थी जो कोरोना महामारी के कारण से या उनके की घर में कोई दुर्घटना होने के कारण से ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनकी कुछ दिनों बाद दोबारा से परीक्षा ले ली जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने BKU एकता उग्राह की तरफ से पटियाला में प्रस्तावित 3 दिवसीय धरने को आगे न बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों के मुकाबले, खासकर बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले, कोविड महामारी को बेहतर ढंग से हैंडल किया। अगर BKU एकता उग्राह पटियाला में धरना देता है तो ये कोविड सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है, जो सरकार के अब तक के प्रयासों पर पानी फेरने वाला साबित होगा। बता दें आपको कि BKU एकता उग्राह ने कैप्टन सरकार पर कोविड कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए पटियाला में 3 दिवसीय धरना देने का ऐलान किया। वहीं CM का कहना है कि पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग का पुरजोर समर्थन किया। अब समय आ गया है जब किसान संगठनों को सरकार का साथ देना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। शिरोमणि अकाली दल नेता एनके शर्मा का कहना है कि कैप्टन सरकार का सिंगल विंडो परमिशन का दावा चारों खाने चित हो गया है। उन्होंने कैप्टन सरकार पर नए निवेशकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए विभिन्न विभागों के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप जड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जब तो ही पंजाब च बनी है, पंजाब की इकोनमी भी तबाह करी, पंजाब का व्यापारी भी तबाह होया और पंजाब के नौजवान रुजगार भी नहीं मिलिया जिहड़े वादे करके यह सरकार बनी सी। अज मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है, अज एक व्यापारी की लुधियाने तो जिहड़ी स्टेटमेंट आई है कि मैं पिछले दो सालों तो दफ्तरां च चाह पी के आ जांदा, मेरा प्रोजेक्ट जिहड़ा अप्रूव नहीं। कह सकदा कि पिछले पांच सालों च एक भी चंगा प्रोजेक्ट कोई सरकार ने अप्रूव नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह 9 बजे करनाल में संजीवनी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री संजीवनी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। सीएमओ हरियाणा ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एक मीटिंग जिला नागरिक अस्पताल में आयोजित की गई। बैठक में ठेकेदार के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी की। ठेका कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को उनकी जगह लगा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। करनाल में लॉकडाउन के बाद भी मसाज पार्लर खुलने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। एक युवती ने मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे का आरोप लगाया था। मामला K3C मॉल का बताया जा रहा है। जब पुलिस रेड के लिए पहुंची तो मसाज पार्लर की संचालिका जा चुकी थी। पुलिस ने मसाज पार्लर का गेट खोलकर अंदर से एक बैग और कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किया। पुलिस ने 30 मिनट तक मसाज पार्लर में छानबीन की। इस दौरान मसाज पार्लर की संचालिका भी पहुंची और फिर आरोप लगाने वाली महिला और मसाज पार्लर की संचालिका में बहस हुई। पूरा देश कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रहा है और इस जंग में एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। बेंगलुरु के डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टर्स और स्टाफ ने अपने अंदाज में मरीजों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। देखिए उनका ये डांस। Yeah.